नमस्कार, घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर इंदौर में आयोजित महिला साहित्य सम्मेलन के लिए आए हैं वरिष्ठ कथाकार, प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखिका सुधा अरोड़ा जी। सुधा अरोड़ा जी से हम जानेंगे कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इंदौर में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, मध्य प्रदेश शुरू से ही हिंदी साहित्य प्रेमियों का गढ़ रहा है और महिलाओं को लेकर इतना बड़ा आयोजन बहुत अच्छा है और बहुत संभावनाओं से भरा है, क्योंकि इस तरह के आयोजन होने चाहिए जहां महिला मुद्दों को उठाया जाए और उन पर बात की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आगे और भी इसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ेंगी और ये होता रहेगा हर साल। सुधा जी ने एक लंबा लेखकीय जीवन जिया है और काफ़ी लगभग 5 दशक से आप लेखन में सक्रिय हैं। आपका नाम महिला लेखिकाओं में शीर्ष स्तर पर माना जाता है, तो आपकी लेखन यात्रा के बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। लेखन यात्रा तो बहुत लंबी ही रही है, मतलब जब मैं 18 साल की थी तब मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई और 20 साल की उम्र में धर्मयुग में कहानी छपी थी बगैर तराशे हुए। उसके बाद लगातार धर्मयुग में कहानियाँ छपी, सारिका में छपी और 21 साल की उम्र में मेरा पहला कहानी संग्रह आ गया था। उसके बाद हर 10 साल के बाद एक कहानी संग्रह आया। ये आप उस समय का और आज के समय का फर्क देखिए कि उस समय हम लोग सिर्फ लिखने में यकीन करते थे, छपवाने में नहीं। अगर कोई प्रकाशक सामने आया तो संग्रह कहानियाँ दे दी, संग्रह छप गया, और नहीं तो सिर्फ लिखने में। तो वो साहित्य हमारे लिए, लिखना हमारे लिए पैशन था, कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, कहीं पहुँचने की चाह कुछ भी नहीं था, पैशन था बहुत बड़ा, जुनून था। आज बहुत फर्क आ गया है। आज तो लेखिकाएँ आती हैं, उनकी एक साल पहली किताब, दूसरे साल 2 किताबें, तीसरे साल 3 किताबें, मेरी 34 साल में 4 कहानी संग्रह जैसे चले। और एक दौर आया जब काफ़ी मेरा लेखन, लेखकी यात्रा अवरोधों से भरी हुई रही है, बीच बीच में लिखना बंद हो गया मेरा। और एक अवरोध तो बहुत लंबा आया था, 12 साल मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जी जी जी। फिर लेकिन उसके बाद जो लेखन शुरू हुआ वो बिल्कुल अलग किस्म का था, जैसे किसी ज्वाला में कुई को दबाए रखो तो वो बहुत दबाए रखने के बाद एक विस्फोट होता है, उस तरह का अपने में मैंने महसूस किया कि वो समय आ गया था कि वो विस्फोट होना ही था। पर उसके बाद भी मैं बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन वाली लेखिका नहीं हूँ। कभी कभी जुनून आता है तो मैं महीना भर लिखती रहती हूँ दिन रात, और नहीं लिखा गया तो सालों नहीं लिखा जाता। तो मेरा कोई अनुशासन नहीं है, इसलिए मैं सही मायनों में, मुझे आप एक मतलब कंसिस्टेंसी वाली लेखिका नहीं कह सकते। जी जी जी। एक जुनून की तरह ही लिखती हूँ बस। आज का जो महिला लेखन है, जो इन दिनों जो लिखा जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिला लेखन जब भी लिखा जाएगा वो ठोस मुद्दों पे होगा, महिलाओं की तकलीफ पे होगा, महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं उस पर होगा, और वो होना भी चाहिए। कोई भी महिला शौकिया नहीं लिखती, पर आज इतना ज़्यादा लिखा जा रहा है कि उसमें से ढूंढ कर कुछ कारगर्भित और सार्थक निकालना बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से लिखा जा रहा है बेहतर, और लिखा भी जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बहुत सार सार को गही रहे होता दे उड़ाए, वो स्थिति है। जी जी।
आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इन दिनों जो नई लेखिकाएं जो आई हैं वो कुछ अलग किस्म के विषय उठा रही हैं, जिन्हें थोड़ा बोल्डनेस ज़्यादा है? देखिए, समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो विषय भी बदलेंगे। बोल्डनेस दो तरह की होती है, एक तो ये कि आप सिर्फ बोल्ड होने के लिए बोल्डनेस दिखाएं, और एक होती है कि आप समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो विसंगतियाँ हैं स्त्री को लेकर, उस पर सही ठिकाने पे चोट करें। तो स्त्रियाँ जब बहुत खुलकर लिखती हैं तो पुरुषों से उनको बहुत वाहवाही मिलती है, बहुत उनको हर जगह छपने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। पर जो लेखिका पुरुषों के आधिपत्य स्थल के सही ठिकाने पर चोट करे, वो बर्दाश्त नहीं होती जी, उसके लिए दरवाजे नहीं खुलते, वो तो उनके लिए खतरा बन जाती है, चुनौती हो जाती है। तो मैं इस तरह के फेक बोल्ड लेखन को बोल्ड नहीं कहती। आप ये नहीं कह सकते कि इसमत चुगताई बोल्ड इसलिए थी क्योंकि उन्होंने लिहाफ लिखी, या मंटो का लेखन बोल्ड लेखन इसलिए था क्योंकि उन्होंने खोल दो लिखी जी, या और कहानियाँ लिखी। ऐसा नहीं है, उनके आप दूसरे विषयों पर भी देखें, इसमत चुगताई का पूरा लेखन बोल्ड लेखन है, वो लिहाफ की वजह से बोल्ड नहीं है। तो आज की स्थितियों में भी आपको ये विभाजक रेखा खींचनी होगी कि कौन सा लेखन स्त्री मुद्दों के सही ठिकाने पर चोट कर रहा है, और वो चोट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा पुरुष समाज बदला नहीं है, वो आज भी बहुत सामंती है। पर मैं उसके लिए पुरुष समाज को भी दोष नहीं देती, वो हमारी सामाजिक संरचना का हिस्सा है, पुरुष भी उसका विक्टिम है जी। उसको वो कंडक्ट नहीं करना चाहता पर वो खुद उसका शिकार है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.